हे गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एडीसी के थ्रू इंटरप्ट को जनरेट करेंगे और उसके बाद हैंडल करेंगे उस इंटरप्ट को। तो इस चीज के लिए सबसे पहले आप लोगों को जरूरत होगी एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की, और आप लोगों को सिमुलेशन करना होगा अपने सर्किट का। मैं यहाँ पर सिमुलेशन कर चुका हूँ। वन बाई वन मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर लेता हूँ यहाँ पर बेसिकली होने क्या वाला है। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली तीन LEDs को कनेक्ट किया हुआ है, और ये LEDs PB1, PB2 और PB3 से कनेक्टेड हैं। इन LEDs को बेसिकली हम लोग 1 सेकंड के लिए ऑन और ऑफ करते रहेंगे, और इनफाइनाइट टाइम्स के लिए बेसिकली ये चीज़ हम लोग करेंगे, और यही हम लोगों का मेन टास्क रहेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक स्विच लगाया हुआ है, और ये जो स्विच है ये कनेक्टेड है PD0 से। इस स्विच के थ्रू ही हम लोगों का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ही हम लोगों का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगा, अदरवाइज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन नहीं होने वाला है। ओके, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक LDR लगाया हुआ है जो कि ADC1 चैनल से कनेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, जब मैं इसको प्रेस करूंगा बटन को तो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट होगा, और जो भी सिग्नल हम लोगों को यहाँ पर LDR देगा उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों का ADC जो रजिस्टर होता है उसमें कुछ वैल्यू स्टोर होगी। अब जैसे ही हम लोगों का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कंप्लीट होगा, वैसे ही यहाँ पर एक इंटरप्ट फायर होगा, और उस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर अपनी ये जो दो LEDs हैं इनको ऑन और ऑफ करूंगा थ्रू ISR, that is interrupt service routine जो होता है, उसके थ्रू हम लोग अपनी इन LEDs को ऑन करेंगे। और इन LEDs का पैटर्न बेसिकली डिपेंड करेगा आप लोगों के ADC में क्या वैल्यू स्टोर हुई है। एक चीज और आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान देनी है, आपको ABCC में 5 वोल्ट देना है क्योंकि इसको मैं रेफरेंस वोल्टेज लेने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करनी है। तो समझ लेते हैं हम लोग अपने प्रोग्रामिंग पोर्शन को। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को यह नहीं पता ADC क्या होता है, ADC कैसे काम करता है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर 18, 19, 20, 21 और 22 नंबर वीडियोस को जरूर से देख लें। तो फिलहाल हम लोग अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी तीन हेडर फाइल्स को इम्पोर्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट वन आप लोगों की avr/io.h है, इसके बाद आप लोगों का util/delay.h है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरप्ट को यूज करने वाले हैं, इसके लिए avr/interrupt.h है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर मेन फंक्शन आएगा। मेन के अंदर सबसे पहले हम लोग जहां जहां पर LEDs कनेक्ट करने वाले हैं उन पिंस को एज अ आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर DDR B में करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है इनको 1 किया है, और सेम वे में DDR D में भी वैल्यूज को सेट किया हुआ है। और इसके बाद आप लोगों का काम बेसिकली होता क्या है, आप लोग ADC को इनेबल करेंगे, प्री स्केलर को आप लोग सेट करेंगे 128 में, और लोकल इंटरप्ट को इनेबल करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों का रजिस्टर होता है ADC SRA, और इसके जो करस्पॉन्डिंग बिट्स होती हैं ये आप लोगों का है ADC को इनेबल करने के लिए, इसको आपने हाई किया। इसके बाद ये जो हम लोगों की तीन बिट्स होती हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे प्री स्केलर को सेट करने के लिए, तो इनको आप लोगों ने सेट किया। और उसके बाद जो लोकल इंटरप्ट है उसको ऑन करने के लिए या उसको इनेबल करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर ये जो बिट है इसको हाई कर दिया। इसके बाद आप लोगों को अपने रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना होता है और अपने चैनल को सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम लोगों का यहाँ पर ADMUX नाम का एक रजिस्टर होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो बिट्स हैं आप लोगों ने इनको सेट कर दिया। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर अपने ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करना है, उसके लिए हम लोगों के पास सीधा सा एक फंक्शन है SEI नाम से, तो इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बटन भी यूज करने वाले हैं, उस बटन का जो भी स्टेटस होगा उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसका नाम बटन है। और इसके बाद आप लोगों का एक इनफाइनाइट लूप आएगा। इनफाइनाइट लूप के अंदर सबसे पहले बेसिकली आप करेंगे क्या, जो भी हम लोगों का PD0 से कनेक्टेड बटन देगा उस वैल्यू को आप इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी एग्जैक्टली क्या वैल्यू है। अगर वैल्यू उसकी 1 होगी तो हम लोग अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोगों का जो ADC होता है वो 25 पल्स लेता है फर्स्ट कन्वर्जन के लिए, और उसके बाद की जो नेक्स्ट कन्वर्जन होंगी उसके लिए उसको 13 पल्सेस चाहिए होती हैं। इस चीज को आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इस डायग्राम से। ये हम लोगों का टाइमिंग डायग्राम है सिंगल कन्वर्जन मोड के लिए,
जब आप लोगों का फर्स्ट कन्वर्जन होगा आप देख सकते हैं 25 पल्सेस यहाँ पर यूज होंगी, और इसके बाद के जो नेक्स्ट कन्वर्जन होंगे उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 13 पल्सेस लगेंगी, और इसके बाद आप लोगों का एक पल्स जो है वो खाली होगी और इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट होगा। तो इसी पर बेस्ड हम लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग में कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों का कन्वर्जन स्टार्ट होने के बाद हम लोग एक डिले दे रहे हैं 1.8 मिलीसेकंड्स का। ये डिले बेसिकली हम देख ही रहे हैं। देखिए आप लोगों का कन्वर्जन जो होगा वो 13 पल्सेस में होगा, और उसके बाद एक जो है वो 14th पल्स है वो खाली होगी और उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन होगा। तो 14 पल्सेस जो है वो हम लोगों की 1.8 मिलीसेकंड्स में कवर होती हैं, तो उसी के लिए आप लोगों ने यहाँ पर डिले जो दिया हुआ है 1.8 मिलीसेकंड्स का दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये भी था वैसे कि आप लोग इस चीज़ को लिखते। यहाँ पर बेसिकली किया गया हम लोगों ने, आप बार बार ADIF की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। ADIF बेसिकली क्या है, इंटरप्ट फ्लैग होता है। ADC जैसे ही हम लोगों का कन्वर्जन कंप्लीट करेगा वैसे ही यहाँ पर वैल्यू को 1 सेट करता है। तो आप लोग बेसिकली यहाँ पर ADIF की बार बार वैल्यूज को चेक कर रहे हैं। जब तक ये वैल्यू 0 रहेगी तब तक आप लोगों का लूप यहीं पर घूमता रहेगा, और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी वैसे ही ये नेक्स्ट एग्जीक्यूशन को करेगा। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट है ADC को स्टार्ट करने का। अगर हम लोगों का बटन ऑन नहीं होगा तो आप लोगों का यहाँ पर मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जो LEDs हैं PP1, 2, 3 से कनेक्टेड वो ऑन और ऑफ होंगी आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, और अगर आप लोगों का यहाँ पर बटन ऑन होता है तो ADC कन्वर्जन स्टार्ट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का इंटरप्ट यहाँ पर जनरेट होगा, और इंटरप्ट को आप लोग हैंडल करेंगे ISR के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ISR के अंदर अपने इंटरप्ट को हैंडल किया हुआ है। अगर यहाँ पर ADC की वैल्यू 350 से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में PD7 से कनेक्टेड जो LED होगी 1 सेकेंड के लिए ऑन होगी और उसके बाद ऑफ हो जाएगी। और अगर आप लोगों की ADC की वैल्यू 350 से कम है तो उस कंडीशन में हम लोगों की PD6 और PD7 में कनेक्टेड LEDs ऑन होंगी और उसके बाद ऑफ होंगी। तो ये आप लोगों का बेसिक एक प्रोग्राम है ADC के थ्रू इंटरप्ट को जनरेट करने का और उसको हैंडल करने का। इसके बाद हम लोग इस चीज़ को सिमुलेट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर मैग्नीफायर को बंद कर देता हूँ। यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोगों को इसमें अपने प्रोग्राम को या हेक्स फाइल को डालना है और इसके बाद इसको ओके प्रेस करेंगे। इनिशियली मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और आप लोगों का जो LDR है इसकी वैल्यू भी हम लोग 0 कर देते हैं, मतलब 0 वोल्ट बेसिकली यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एनिमेशन को प्ले करता हूँ आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का जो ये 3 LEDs हैं वो ऑन होंगी और 1 सेकेंड के बाद ऑफ होंगी, और ये चीज़ आप लोगों का इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलता रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर इस बटन को प्रेस करूँगा तो हम लोगों का ADC कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों की जो वैल्यूज होंगी वो ADC रजिस्टर में स्टोर होंगी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने ISR में इन LEDs को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर मैं इसको ऑन करूंगा वैसे ही हम लोगों का ADC कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों की जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पर 0 वोल्ट दे रहा है, मतलब कि ADC में वैल्यू 350 से कम होगी। तो उस कंडीशन में आपकी ये दोनों LEDs ऑन होंगी। अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाता चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं अगर वैल्यू 350 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी सिर्फ एक LED यहाँ पर ऑन होगी, और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आप लोगों का ADC कन्वर्जन स्टार्ट ही नहीं होगा। वो स्टार्ट नहीं होगा तो आपका कोई भी इंटरप्ट यहाँ पर जनरेट नहीं होगा और आपकी LEDs ऑन नहीं होंगी। तो करके देख लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोगों का ये जो नॉर्मल मोड था या नॉर्मल जो इसका एग्जीक्यूशन था वो होगा, यहाँ पर ये LEDs या इंटरप्ट कुछ भी फायर नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।